जो गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंका था और जिसकी वजह से तमाम जो गवाह थे उनका कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई थी, तो मुझे लगता है कि शाइस्ता परवीन पर और ज्यादा यूपी पुलिस जो है वो सख्ती बरतती हुई नजर आएगी, और ये भी हो सकता है कि टीमें और ज्यादा बढ़ा दी। कहां है शाइस्ता परवीन, ये सबसे बड़ा सवाल अभी यूपी सरकार के लिए और यूपी पुलिस के लिए बना हुआ है, क्योंकि लगातार यहाँ पर तफ्तीश जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिंगल सुराग नहीं मिल पा रहा शाइस्ता परवीन का। क्या आखिरकार वो महिला जो महिला गॉड मदर कहलाती है, जो यहाँ पर माफियाओं की माफियान कहलाती है, जो यहाँ पर सारी करता धरता है, वो कहाँ है? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम में। देखा जाए यहाँ पर तो शाइस्ता परवीन जिस तरीके से लगातार लापता बताई जा रही है, कहा जा रहा था कि कौशाम्बी में बाजार में नजर आई थी थोड़ी बहुत, तो पुलिस कहा थी। अब ये माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन जल्द ही सरेंडर कर सकती है, और ये खबर लगातार 3 से 4 दिन तक सामने आ रही है। सरेंडर करेगी तो कैसे करेगी, कब करेगी, ये सवाल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब उसके बेटे अशरत का एनकाउंटर हुआ और जब यहाँ पर दफनाया जा रहा था, तब भी माँ यहाँ पर एक झलक के लिए नहीं आई। देखा जाए यहाँ पर कि उसके पति अतीक अहमद का यहाँ पर हमला कर दिया गया, उसके बाद उसका निधन हो गया, उनकी झलक देखने एक बार नहीं आई। आखिरकार ऐसे कौन से राज छुपा रही है शाइस्ता परवीन, ये सवाल लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब यहाँ पर यूपी पुलिस पूरी तरीके से एक जमीनी स्तर पर उतर आई है और हर जगह खोजने की कोशिश शाइस्ता परवीन को कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब माना ये जा रहा है, क्योंकि कयास है, माना ये जा रहा है यहाँ पर कि शायद कुछ शर्तें रखेगी शाइस्ता परवीन और उसके बाद यहाँ पर कुछ बड़े खुलासे करती नजर आएगी। माना ये जा रहा है कि अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन दोनों एक साथ ही सारे काम किया करते थे। 800 फोन बंद बताए गए थे जब यहाँ पर अतीक अहमद का हमला होके उनका निधन हो गया था, उसकी मौत हो गई थी या हत्या कर दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम तरीके के सवाल अभी भी बने हुए, और इस खास कार्यक्रम में आपको उन सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सहयोगी से जो सवाल पूछे उनके जवाबों में क्या कुछ हासिल हुआ वो सुना। मेरे साथ कपिल भी है, और यहाँ पर सीधा सवाल इसी मुद्दे को लेकर लेंगे कि आखिरकार शाइस्ता परवीन जो लगातार यहाँ पर गुमनाम होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर पकड़ में नहीं आ पा रही, अब कुछ राज यहाँ पर खुलते हुए ये भी नजर आए कि अतीक अहमद ने अपने निधन से पहले, यानी कि उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले उन्होंने शाइस्ता परवीन को अंडरग्राउंड कर दिया था, लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि जगह जगह स्पॉट की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कपिल ये सवाल है सीधा कि यूपी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती शाइस्ता परवीन बन चुकी है कि यहाँ पर अगर पकड़ में नहीं आती तो क्या माना जाए कि यूपी में एक बार फिर से दहशत का माहौल देखने को मिलेगा और शाइस्ता कहीं भी रहेगी लेकिन वो यूपी में अपनी चाल जरूर चलती नजर आएगी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, दो चीजें यहाँ पर पक्का नजर आ रही हैं। शाइस्ता परवीन लगातार अपनी लोकेशन जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फिलहाल उन्हें नहीं पकड़ पाई है। आपको बता दें कि कौशाम्बी में जगह जगह पर जो है वो छापेमारी की जा रही है, ड्रोन के जरिए जो है उन पर निगरानी रखी जा रही है कि कैसे ना कैसे करके उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि अभी भी तमाम तरह के राज हैं जो शाइस्ता परवीन बड़े अच्छे से जानती होंगी। दूसरी तरफ अगर गुड्डू मुस्लिम की बात करी जाए तो वो भी फरार है, और ये दोनों ही कहीं ना कहीं अब फिलहाल मास्टरमाइंड हैं तमाम, और आने वाले वक्त में ये भी देखा जा सकता है कि प्रयागराज में जिस तरीके से जो गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंका था और जिसकी वजह से तमाम जो गवाह थे उनका कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई थी, तो मुझे लगता है कि शाइस्ता परवीन पर और ज्यादा यूपी पुलिस जो है वो सख्ती बरतती हुई नजर आएगी, और ये भी हो सकता है कि टीमें और ज्यादा बढ़ा दी जाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि शाइस्ता परवीन को गॉड मदर के नाम से बुलाया जाता था और कहा जाता था कि जब किसी भी मुद्दे को लेकर फैसला किया जाना होता था तो अतीक अहमद से पहले शाइस्ता से पूछा जाता था। यानी कि क्या माना जाए कि यहाँ पर अतीक अहमद ऐसे ही बदनाम थे कि वही सारे करता धरता है, वो यहाँ पर बहुत बड़े माफिया है? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सबसे बड़ी माफिया तो कहीं ना कहीं शाइस्ता ही है? देखिए ये जो दोनों थे अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, दोनों की मिली भगत से जो है वो ये कारनामे किए जाते थे, और एक बड़ा जो चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ, हालांकि अभी और चौंकाने वाले खुलासे ऐसे ही होते रहेंगे, नीली पीली और एक सफेद कलर की जो पर्ची थी वो कहीं ना कहीं दी जाती थी, जिसको पीली पर्ची दी जाती थी उसे 5 करोड़ रुपए देने होते थे, जिसे लाल पर्ची, मतलब ये रंग जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, तो जिसके पास जो पर्ची पहुंचती थी उसे उतने पैसे देने पड़ते थे। तो आप सोचिए कि उनका जो कहीं ना कहीं जो आतंक का आलम था वो कितना ज्यादा था, और बड़ा सवाल ये बनता है कि जिन सरकारों
नेताओं की नाक के नीचे इस तरह के कारनामे किए गए। आज वो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के लिए, शाइस्ता परवीन के लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। जनता ये बात जो है वो जरूर याद रखेगी जब चुनाव में वोट देने जाएगी, क्योंकि आगे अगर ऐसी सरकारों को गलती से जनता चुन लेती है तो फिर आतंक का जो पर्याय अतीक रहा था, शायद नाम कोई और होगा लेकिन आतंक वही रहेगा। एक आखिरी और छोटा सा सवाल ये रहेगा कि अब जानकारी सामने आ रही है कि जिस दिन अतीक अहमद के साथ ये हमलावर हमने हमला करते हुए देखा था उन लोगों को, तो ये माना जा रहा है कि 800 फोन ऐसे थे जो उसी समय पर बंद हो गए थे। यानी कि क्या माना जाए यहाँ पर, ये भी कहा जा रहा है कि 800 कॉल जो बंद हुए वो उसी समय बंद हुए, जबकि ये बात फैलने में थोड़ा टाइम लगा था कि अतीक अहमद का इस तरीके से हमलावरों ने निधन कर दिया। और ये इसलिए ये बात कही जा रही क्योंकि शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने ही तो कहीं अपने पति का ये निधन नहीं करवा दे, ये हमला उन पर नहीं करवा दे, क्योंकि 800 कॉल का उसी समय पर बंद होना कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब कि सवाल खड़े कर देता है। हाँ देखिए, इससे इत्तेफाक हो सकता है। हालांकि ये 800 जो फोन एक साथ बंद हुए, जब तक इसकी पुलिस जांच नहीं करती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन जब भी कोई सबूत मिलता है तो उसके उससे जुड़े हुए जो कयास है वो लगाए जाने लगते हैं, क्योंकि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन लोकेशन मिल रही है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद उत्तर प्रदेश पुलिस जल्दी उसे जो है वो पकड़ ले, सलाखों के पीछे डाल दे। और आप 800 मोबाइल फोन की अगर बात करी जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे खुलासे होने बाकी हैं जो मुझे लगता है कि लगभग 1 से 1.5 या फिर 2 महीने के बाद ये सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आगे मैं आपको वो जानकारी दूंगी जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन शायद जल्दी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन अपनी कौन सी शर्तें यहाँ पर रखती नजर आएगी उसके बारे में यहाँ पर बड़ी अहम जानकारी भी सामने आई। पहले बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में माफिया के बेटे असद समेत तमाम गुर्गों का नाम सामने आया। अब देखा जाए तो 13 अप्रैल को UPSTF ने असद और शूटर गुलाम को झांसी में मार गिराया था। अगले 2 दिन बाद 15 अप्रैल को प्रयागराज में कॉल्विन अस्पताल के पास 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी अतीक और अतीक के भाई की। अब कहा जा रहा है शाइस्ता परवीन के पिता मुस्लिम पुलिस में थे। 1996 में अतीक अहमद से शादी से पहले इसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। इससे पहले वह कभी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की है और शाइस्ता की शादी 1996 में अतीक अहमद के साथ हुई थी। शाइस्ता ने साल 2021 में राजनीति की दुनिया में अपना कदम रखा था। वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में पार्टी में जुड़ी थी। इस दौरान अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल में बंद था और उस पर लगातार खतरे बढ़ रहे थे। शाइस्ता ने जनवरी 2023 में AIM से इस्तीफा दे दिया था, फिर बसपा ज्वाइन कर लिया और प्रयागराज में चुनाव के टिकट पर उम्मीदवार भी बनती नजर आई। लेकिन अब शाइस्ता को लेकर तमाम तरीके की जानकारी और भी सामने आ रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो जल्दी सरेंडर करते हुए नजर आ सकती है। अब बता दें आपको कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बीच शाइस्ता को अदालत में सरेंडर कराने के लिए वकीलों की नई टीम तैयार की गई। जिला शहर में पुलिस फोर्स शाइस्ता के लिए मुस्तैद रही, जो 24 फरवरी को यहां पर उमेश पाल के शूटआउट के बाद फरार शाइस्ता और तथा जनाब फातिमा पिछले हफ्ते अतीक अशरफ का कत्ल होने के बाद जनाजे में शामिल होने के लिए भी नहीं पहुंची, जबकि पुलिस को भी उन दोनों के आने की पूरी संभावना थी। अब शनिवार की रात अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद शाइस्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वह प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच कई किसी रिश्तेदार या करीबी के घर पर छिपी हो सकती है। इसी बीच से पुलिस इन इलाकों के गाँव में लगातार घर घर सर्च ऑपरेशन चला रही है। करेली, कसारी, मसारी के अलावा धूमनगंज, पूरा मुफ्ती, कोक राज में तमाम गांव में अतीक के रिश्तेदार रहते हैं, जहां शाइस्ता के छिपे रहने की आशंका है। घर घर खोजबीन के बाद भी गुरुवार शाम तक शाइस्ता मिली नहीं। तो इसी तरीके की जानकारियां लगातार सामने आ रही है, लेकिन अब माना जा रहा है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है और जैसी मिलेगी तभी कहीं ना कहीं एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो इस पूरे मुद्दे को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।